मैं डेल्टा इंटरनेशनल से अरसलान आपको आज डिग्री की इम्पोर्टेंट और डिप्लोमा की अटेस्टेशन के बारे में बताऊंगा ब्रीफली, बिकॉज़ हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो मोस्टली उनको ना हो नहीं होती कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनकी डिग्रीज़ के लिए क्या क्या मसाइल आते हैं उनको सऊदी अरेबिया के लिए और डिफरेंट गल्फ कंट्रीज़ के लिए। तो डिग्री जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोफेशनल के वीज़ा के लिए, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल जब अप्लाई करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिस गाइड की जाती हैं मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज की तरफ से और नॉन प्रोफेशनल्स जो हमारे इसमें एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं लोग, लाइक बिकॉज क्योंकि उनका कोई अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता तो उनको नो हाउ नहीं होती कि डिग्री अटेस्टेशन के लिए और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए कि क्या आपने अपनी कंपनी से रिक्वायर्ड करने हैं और क्या अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वायर्ड करने हैं। तो बेसिकली जो डिग्री अटेस्टेशन का पर्पस है वो सिंपल और इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है कि आपको उसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग लगे। अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला रिक्रूटमेंट एजेंसी या रिक्रूटर मिल जाए जो आपको पूरा ब्रीफली गाइड कर सके। तो जो डिग्री है उसके बारे में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हैं वो मुख्तलिफ उनका क्राइटेरिया है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मुख्तलिफ नंबर्स और डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं जो आप डिग्री की अटेस्टेशन के लिए अपनी यूनिवर्सिटी से या एच ई सी या मूफा से अटेस्टेशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी डिग्री को एच ई सी से करना है अटेस्ट। उसके लिए आपने एच ई सी के प्रोफाइल में अपना सिस्टम में प्रोफाइल जनरेट करना है, एच ई सी के लिंक में जाके वहाँ पे पोर्टल में अपनी सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उनको देनी है, जिसमें आपकी मैट्रिक की सनद, मार्कशीट, इसके अलावा इंटर की सनद मार्कशीट और इसके अलावा बैचलर की स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने सिस्टम में अपलोड करने हैं। और आप ये अपने जहन में चीज़ एक रख लीजिएगा कि जब आपकी डिग्री अटेस्टेशन के लिए जाएगी तो आपके CNIC में पासपोर्ट पे और डिग्री पे आपका फादर नेम और आपका अपना नेम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या उसके सर नेम में या गिवन नेम में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बेसिकली जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर ट्रेंड है मुख्तलिफ के हम अपने नेम्स को शॉर्ट कर देते हैं। जिस तरह किसी के साथ शेख लगा हुआ है तो वो इसको SH लिख देगा और पासपोर्ट में वो पूरा SH जो शेख स्पेलिंग है वो लिख देगा और डिग्री में सिर्फ वो 2 अल्फ़ाबेट्स लिख देगा शेख के। तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी, अपना पासपोर्ट चेंज करेगा, अपना CNIC चेंज करेगा या अपनी डिग्री चेंज करेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने सबसे पहले अपनी डिग्री HEC से टेस्ट करनी है। उसका तरीकाकार ऐसा है कि आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारे लिंक चेक कर सकते हैं, उसमें हम आपको बता देंगे कौन से लिंक से। आपने सबसे पहले अपना पोर्टल जनरेट करना है HEC के लिए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जब HEC से अपलोड हो जाएंगे तो आपको वो DAS नंबर दे देगा, एप्लीकेशन नंबर आपका, तो उनकी स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की आपकी। देन आपकी स्क्रूटनी के बाद आपको टाइम फ्रेम दे देंगे कि आपके इस दिन आके आप डिग्री टेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक वॉक इन में है और एक अर्जेंट में है। वॉक इन में जो है डिग्री अटेस्टेशन की उसकी जो फ़ी वो चार्ज करते हैं वो कम करते हैं, ठीक है, और जो अर्जेंट में चार्ज करते हैं वो 3000 पर डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेंगे और आप सेम डे में डिग्री टेस्ट करके दे देंगे। HEC की अटेस्टेशन के बाद का प्रोसेस है मूफा का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, वो आपने वहाँ से अपनी डिग्री को अटेस्ट करना है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट किसी भी एम्बेसी में जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसको मूफा से अटेस्ट करना लाजमी है, अदरवाइज़ वो डॉक्यूमेंट उसकी कोई हैसियत नहीं होगी कि वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड है कि नहीं वैलिड, ठीक है जी। मूफा अटेस्टेशन के बाद आपका पार्ट आ जाता है यूनिवर्सिटी से लेटर लेने का। आप अपनी यूनिवर्सिटी से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे रेगुलर और बोनाफाइड स्टूडेंट का लेटर चाहिए, जो कि सऊदी कल्चर की रिक्वायरमेंट है कि जो भी बंदा है वो रेगुलर पढ़ा होना चाहिए। सऊदी अरेबिया में प्राइवेट डिग्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डिस्टेंस लर्निंग को और प्राइवेट स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें वो एजुकेशनल पर्सनल चाहिए जो रेगुलर जिसने स्टडी हासिल की हो, मोड ऑफ उसका जो स्टडी है वो रेगुलर होना चाहिए। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर को गिवन करना है, कुछ उसके तरीकाकार हैं वो पूरे करके अपने लेटर को लेना है जिसमें मेंशन किया जाएगा कि आप बोनाफाइड और रेगुलर स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है वो आप उसके बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, उसकी रसीद आपने संभाल कर रखनी है। चार डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एक रेगुलर स्टूडेंट का लेटर, एक यूनिवर्सिटी फ़ीस, एक ट्रांसक्रिप्ट और एक डिग्री जो आपके अटेस्टेशन में आपको काम आएगी। अदरवाइज आपने फिर अपनी जो कंपनी से सऊदी कल्चर के लिए रिक्वेस्ट का लेटर लेना है कि मुझे अपनी डिग्री टेस्ट करने के लिए
रिक्वेस्ट लेटर दें, तो सऊदी कल्चर कंपनी आपको सऊदी कल्चर के लिए रिक्वेस्ट लेटर दे देगी, साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगी जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, नाम, वीज़ा नंबर, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होगी। तो आपने उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स रियाद से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी अरेबिया से अटैच करा के अपने पास मंगवा लेना है, ठीक है जी। तो ये था डिग्री का पार्ट, आप उसको जमा करवा देंगे सऊदी कल्चर में विद पासपोर्ट के, डिग्री के, ट्रांसक्रिप्ट के, लेटर के और अपने जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ मेल जाएगी सऊदी कल्चर की तरफ से अटेस्टेशन की, जब कल्चर की तरफ से ईमेल जाएगी तो हम आपको आगाह करेंगे आपकी जो डिग्री की ईमेल वेरिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी में फ़लां डेट को फ़लां टाइम चली गई है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अर्जेंट अप्लाई के लिए कॉन्टेक्ट करना है तो उनको बताना है कि मेरी ईमेल फ़लां टाइम पे आ चुकी है, काइंडली इसको आप इसको रिप्लाई कर दें। वो जैसे ही रिप्लाई करेंगे सऊदी कल्चर सेम विद इन टू डेज में अपना नंबर लगा के साइन करके डिग्री रिटर्न कर देगी। उसके बाद डिग्री आपकी एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए 2 दिन रिक्वायर्ड है, वो ऑटोमेटिक हम उसको अटेस्ट के लिए भेज देंगे। तो ये था एक सिंपल प्रोसीजर जो डिग्री अटेस्टेशन के लिए। अगर आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो आपने नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टेक्ट करना है, हमारे रिसेप्शन पे कॉल करनी है, उनको कहना है कि फ़लां डिपार्टमेंट में आपकी कॉल ट्रांसफ़र की जाए, जो डिग्री अटेस्टेशन के लिए रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उसको कॉल करेंगे तो वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे, या हमारे गिवन नंबर्स पे या ईमेल्स पे आप ईमेल भी कर सकते हैं मेरे को अपनी क्यूरीज, और अपने हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी क्यूरीज के लिए। तो हम आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल फीडबैक देंगे और आपकी डिग्री एज सून एज पॉसिबल अटेस्ट करके आपको देंगे, जो विद इन 14 डेज से लेके 10 डेज टू 14 डेज के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में डिग्री अटेस्टेशन का जो कंसेप्ट है वो 2.5 से 3 महीने का है। तो लोगों का ये ख्याल है, कंपनीज का ये ख्याल है कि 2 से 2.5 महीने लगते हैं, इसीलिए वो प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान से रिक्रूट ही नहीं करते। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।